रोके कहन लगी मैं खबे वाले आओ मेरे लाके च बारिश नहीं हो रही कैद पै गया। कहन लगी रब्बा मेरा शोहर भी बड़ा बीमार है, मेरे पुत्र ने अज बड़े दिन गुजरे दुख नहीं पीता, मेरी ओंटनी का बच्चा भी मर गया, मेरी ओंटनी की लत भी टूट गई आओ। अमाली मां नाले रोंदी है नाले शिकायतां करदी है, नाले जोली फैला के कह लगी काबे वालिया मेरे वल ध्यान कर, मेरे जिन्ना गरीब कोई नहीं, काबे च आवाज आई रोना तेरे जिन्ना गरीब कोई नहीं, ओ आ गया है ओदे जिन्ना अमीर कोई नहीं। सारा कुछ कुर्बान करके, नींद कुर्बान करके, व्हाट्सएप छोड़ के, फेसबुक छोड़ के, केबल छोड़ के, फिल्म छोड़ के तुसीं इत्थे आके बैठे हो, तो इहदा मतलब है कि तुहानू ओ सुकून उत्थे नहीं मिलिया जिहड़ा तुसीं जिक्र मुस्तफा च लैवण वास्ते आए हो। जिक्र मुस्तफा च सुकून लैवण वास्ते तुसीं तशरीफ ले आए हो। तो मैं अपनी नस्ल तो, अपने नौजवान नस्ल तो बिल्कुल मायूस नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, पर मैं यकीन है कि जमाने दी जितनियां भी पुरफितन हवावां चलन, जिन्हां दे सीने दे अंदर इश्क रसूल है, जिन्हां नूं मावां ने गुड़ती च इश्क रसूल पलाया ना, और असीं ते बड़े खुश नसीब आ, वैसे भी साडी सुननी मां साडू जम दे कन्न च अज़ान सुना दिंदी है, ताकि मेरे पुत्र दे जम दे कन विच अजान दे नाल मुहम्मद दा नाम आ जाए, तो मेरे पुत्र नूं सारी जिंदगी याद रवे मैं आया भी मुहम्मद दे नाते सां ते मैं जाना भी मुहम्मद दे नाते। जिते सीने च इश्क रसूल होवे ओह कदे डोलदा नहीं, ओह बद अकीदा नहीं हो सकदा। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, लाहौरियो, दाता दी नगरी वालियो, बाबा खादम हुसैन दी नगरी वालियो, ऑनलाइन अकीदा नहीं लैणा, ठीक है? मत कोई समझे कि वह फलां बंदा यूट्यूब से बड़ा मारूफ है, तो बहुत बड़ा सकालर है, बड़ी दीनी गल कर दे, मशहूर तो अबू जाल भी बड़ा है, फिरौन को घट मशहूर है, नमरूद को घट मशहूर है, हजारा साल गुजर गए जिथे मूसा का नाम आता नाल फिरौन का नाम आता है, शैतान थोड़ा मशहूर है, ओदे थोड़े सब्सक्राइबर ने, पढ़े लिखे बाप तो शरीफ फरमाओ मैनू नौजवानों दसो, भाई मूसा अलैहि सलाम ते अल्लाह दे नबी ने लाडले ने इतने कमालात वाले ने, वकान इंदल्लाहि वजीहा अल्लाह दे वजाहतां वाले नबी ने, उन्हां दा मशहूर होना ते बनदा है, भाई फिरौन च कड़ी क्वालिटी है, वह क्यों मशहूर है? इब्राहिम अलैहि सलाम ते अल्लाह दे नबी ते जद्दो लंबिया उन्हां दा ते मशहूर होना बनदा है ना, ते नमरूद क्यों मशहूर है? भाई कमली वाले ते रहमतुल्लिल आलमीन ने, पर अबू जाल क्यों मशहूर है? हुसैन दा ते मुकाम ही वखरा है, पर जिथे हुसैनियत जिंदाबाद दा नारा लगदा है नाल यजीदियत मुर्दाबाद दा नारा भी लगदा है, यजीद क्यों मशहूर है? पता चलिया कि इंसान हक ते होवे ते मशहूर नहीं होता, कदे कदे हक की मुखालफत करके बातिल भी मशहूर हो जाता है, तो लिहाजा किसी की शोहरत वेख के यह ना समझा जे फलां बंदा बड़ा मशहूर है, उहदे सबसक्राइबर बड़े ने, वो यूट्यूब से और सोशल मीडिया से बड़ा मशहूर है, लिहाजा वो सच्चा है नहीं। मशहूर अबू जाल भी बड़ा अच्छे, शैतान भी बड़ा है। याद रखियो मेरी मिल्लत के नौजवानों, तुसी ऑनलाइन खरीदारी नहीं करते, क्यों? कि जदों तुसी ऑनलाइन चीज देखते हो तो वह होर होंदी है, जदों घर आउंदी है तो वह होर होंदी है ना, फिर तुसी पछताउंदे हो कि मैं ऑनलाइन क्यों शॉपिंग कर ली, ते जे ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते तो ऑनलाइन अकीदा भी ना लिया जाए, अकीदा लेना होवे ते किसे सुन्नी आलिम दी बारगह च जाया करो, उलमा सूफिया दे बुजुर्गां ने दीन दी खिदमत च हाजिर होया करो, और आ जिहड़ा नवा अकीदा आ गया ना कि बाबे ते शाही कोई नहीं, इस गल दी थोड़ी मुखालफत करो, यकीन करिया जे अल्लाह ने बाबे नूं बड़ियां अदमतां अता कीतियां। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुर्बे कयामत के अंदर कुछ लोग ऐसे आवनगे जो अपने तो पहले आने वाले नु बुरा किया करेंगे, कयामत की निशानियों चो निशानी है, अपने अकीदे की इसलाह रखो और अपने बुजुर्गों ने दीन का अदब करियो, याद रखियो याद रखियो याद रखियो, अल्लाह जी के वास्ते गुमराही का इरादा कर लेंदा है उसकी पहली निशानी यह होती है कि वलिया का गुस्ताख हो जाता है, जिन्होंने रब गुमराह करना चाहे पहली निशानी यह होगी कि वलियां का बेअदब ते गुस्ताख हो जाएगा, अल्लाह वाले की बेअदबी ना करे आ जाए। बाबा नजर साहब, हाजी साहब की बिला
नमरूद ने अल्लाह नाल मत्था लगाया ते आख्या अना रब्बुकुम अलआला, मैं वड्डा रब हां। अल्लाह ने उन्हें बादशाही दी, तख्त दिता। 400 साल उन्हें हुकूमत की, 800 साल नमरूद की उम्र सी। फिरौन ने आख्या मैं रब हां, अल्लाह ने उन्हें तख्त दिता, ताज दिता, बादशाही अता की। जब तक उन्होंने रब ना मत्था लगाया, रब ने कुछ नहीं आख्या। पर जदों लाया ना उहदे बंदियां नाल ते नबियां नाल मत्था, ते रब ने फिरौन नूं डोब के मारिया, ते नमरूद दे नक विच मच्छर हवा दे जरिए मच्छर उहदे दिमाग तक गया। जदों मच्छर उहदे दिमाग विच जाके फिरदा सी ते उह रोंदा सी, चीखा मारदा सी, दर्द हुंदा सी, तकलीफ हुंदी सी। हुकमार नूं बुलाया ते हकीम ने चेक करके आख्या कि इहदे दिमाग विच मच्छर चला गया है, वह इहदे दिमाग विच फिरदा ते तकलीफ हुंदी है। पुछा इलाज की है, पुछा इलाज की है, ते हकीम ने आख्या इहदी जुत्ती उतार के इहदे सिरे च मारो। उहदी जुत्ती उतार के उहदे सिर च मारी ते मच्छर बैठ गया, उहनूं सुकून हो गया। थोड़ी देर बाद मच्छर दोबारा चलना शुरू होया, तकलीफ हुई, फिर जुत्ती मारी, फिर ठीक हो गया, फिर जुत्ती मारी, फिर ठीक हो गया। जुत्ती जब तक मारते रहते हैं वह ठीक रहेंगे, जुत्ती मारना छोड़ देने तकलीफ ना चीखा मार दे। पता चलिया जे ते रब दे बंदियां दा बन के रवे गुलाम ते जुत्ती रहिंदी है पैर दे थले, ते जे रब दे यारां नाल मत्था ला लवे ते फिर सिर थले ते जुत्ती। ये उहदी फितरत दा कानून है। अल्लाह वाले नाल यारी लगा के रखिया जे, जिहड़े रब दे करीबी ने ना उन्हां नाल प्यार करियो। इश्क दा कानून है, यार दा यार भी यार हुंदा है भाई, यार दा यार भी। बाबा जी नदर साहब ने मेरे उस्ताद गिरामी ना प्यार किया, सुल्तानी साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्हां दी वजह तो अज मेरे अज तक इन्हां दे बड़ा पुरानी मुहब्बत ने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वास्ते शर्फ है कि उन्हां दी जगह ते मैं बैठा। अल्हम्दुलिल्लाह, तो यार दा यार भी यार होंदा है। जे तुहानूं अल्लाह रसूल नाल मुहब्बत है ना, तो उन्हां नाल भी प्यार करो जिहड़े अल्लाह रसूल नाल प्यार करदे ने, ते जिन्हां नाल अल्लाह रसूल प्यार करदे ने। तो लिहाजा अपने अकीदे दी इस्लाह रखो। हजरत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस अली पूरी फरमाते सन, आप फरमाते सन जुत्ती नवी ला के पा लियो, कपड़े नवे ला के पाया जे, दुकान भी नवी ला लिया जे, तो मकान भी नवा ले लिया जे, पर अकीदा पुराना ही रखिया जे, अकीदा प्यो दादे वाले ही रखिया जे। ठीक है, तो लिहाजा अपने अकीदे की हिफाजत करो। इस जमाने दियां पुरफितन हवावां दे विच तू अपने अकीदे ना डोलिया जे, अपने ईमान नूं ना किधरे वेच दिया जे। ग्रामी कदर हजरात, अज हज साहब किबला इन्हां दी सारी टीम ने मैनू आख्या कि सानू प्योर मिलाद शरीफ सुनाना है, नबी पाक की विलादत तो लैके तो बचपने रसूल सुनाना है, तो दाएं बाएं कहंदे ने जो मर्जी को तुहानू आके नहीं सुनाना, तुसां बस आ ही सुनाना है। तो मैं तुहानू अज बचपने रसूल तो मिलाद रसूल ही सुनाना इंशाला। ये मेरे ओ की कहंदे ने दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी मिल्लत दे नौजवान दाएं बाएं जावन, बस अपने सुन्नी उलमा को बैठिया करो, अकीदे की सलाह कराया करो। ये मैं पैगाम देना सी वो मैं दे लिया, हुण मैं तुहानू मिलाद शरीफ वल लै चला। आखो सुभान अल्लाह, मैनूं पता लगे मैं जूंदी जागदी कौम च बैठा भाई। थोड़ा होर जोर लगाओ वाला, अब बुकना खोलो ना अपना भी ते नाल दा भी हाथ चुके, नहीं उची सुभान अल्लाह फरमाओ सने स्टेज वालियां के मदीने आवाज जावे। दाताली हुजवेरी दे गुंबद नूं चुम के गुंबद खिजरा तक आवाज जावे, ते चुम के आखे सोने अखी वेख के आईया अद्धी रातों रात ढल गई, तेरे गुलाम अज भी तेरिया रावां पे उड़ीकदे ने। गला खराब हो जो सुबह लोग पुछन तेरे गले नूं की होया, अखी राती साडे मोहल्ले नबी पाक दा मिला सी, मैं सुभान अल्लाह कहंदा रहा। कुरान मजीद फुरकान हमीद दी आयत मुबारक पढ़ी, रब तआला ने फरमाया सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूत व यौम युबअथु हय्या। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सलाम होवे उस दिन ते जदों उन्हां दी विलादत हुई, व यौम यमूत मौत दे दिन ते भी सलाम होवे, व यौम युबअसु हय्या जदों असी कयामत नूं उन्हां नूं नवी हयाती दे के उठा लवांगे उस दिन ते भी सलाम होवे। इस आयत मुबारक च अल्लाह ने तीन सलाम फरमाए। कुरान मजीद च अल्लाह ने नबियों का नाम ले लेके सलाम फरमाया, फरमाया वसलामुन अला इब्राहिम, वसलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, वसलामुन अला इलियासीन। ते जदों सारे नबियों ने इकट्ठा सलाम फरमाया, फरमाया वसलामुन अलल मुरसलीन, फरमाया मेरे सारे रसूलों ते सलाम हो गए। पूरा कुरान पढ़ के देख लो, अल्लाह ने एक बार भी नहीं कुरान च फरमाया कि मुहम्मद ते सलाम हो गए, अहमद ते सलाम हो गए। या अल्लाह कुरान अपने महबूब ते नाजल करके नबियां ते सलाम किया, ते जिद्दे ते कुरान नाजल कीता उन्हों सलाम ही नहीं आखिया। फरमा सोने तेनों इंज सलाम नहीं कहना,
तेनू ते सज सजा के दूल्हा बना के बुराक ते बिठा के अरशा ते बुला के सामने बिठा के फिर कहांगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तेनू इंज सलाम आखांगे। कौन है दिवाली नू अल्लाह ने क्यों मिलाद उते सलाम फरमाया? फरमावा सलामुन अलैहि यौम बोलेदा उन्हां दी विलादत दे दिन ते सलाम होवे। लाहौर दे पढ़े लिखे किसी नौजवान दे ज़हन च ख्याल आ सकदा आसी साहब मैं हदीस च पढ़िया ते मैं तफसीर च पढ़िया ए आयत अल्लाह ने हजरत यहया अलैहि सलाम दे मिलाद दे मुतल्लक नाज़िल कीती, तुसी हुजूर दे मिलाद ते पढ़ रहे हो तो मेरा मौकफ होर सख्ती ना साबित हो गया। जे यहया दे मिलाद ते सलाम हो सकदा ते मुहम्मद दे मिलाद ते नहीं हो सकदा। वो केड़ी अजमत है जड़ी किसी होर नबी को है तो मुस्तफा कोई नहीं। अजमत है ही हो ना जड़ी मुस्तफा करीम को ले। तो गिरामी कदर हजरात अल्लाह ने फरमा बस सलाम उन अलैहि यौम बोलेदा सलाम होवे उन हां दी विलादत दे दिन उते। क्यों सलाम आखिया? जब कौन है बाली सारी सारी रात जाके इबादत की ते पांव सोच गए ना मुतमरम हो गए ते महबूब ते दुखे च नहीं ना वेखे जाते। अल्लाह ने यार दे पांव दी सोजन वेखी ते खालिक ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैल इल्ला क़लीलन निसफहु अव इन्क़ुस मिन्हु क़लीला। फरमाया मुज़म्मिल दी बुक्कल वालिया सारी रात ना जागया कर, अद्धी रात आराम कर लिया कर ते अद्धी रात क़याम कर लिया कर। कारी गुलाम हुसैन साहब ओ रब जेड़ा मेनू ते सानू सारे नु कहंदा या अय्युहल्लज़ीन आमनु ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला। अल्लाह फरमांदा ईमान वालों कसरत ना मेरा जिक्र करो। या अल्लाह कितनी कसरत ना? अल्लाह फरमांदा बुकरतम व असीला, दिन भी मेरा जिक्र करो ते रात भी मेरा जिक्र करो। साडी वारी आई ते सानू कहंदा दिन रात जिक्र करो, यार दी वारी आई ते फरमा तू अद्धी रात आराम कर लिया कर। सानू कहंदा ज़िक्रन कसीरा ते यार नो कहंदा कुमिल लैला इल्ला कलीला। सानो कहंदा बहुता करो, यार नो कहंदा थोड़ा करो। काम उलट हो गया। जेड़े माही नो आख्या थोड़ा आराम करया कर, वो यार ने सारी सारी रात जाके गुजार दीती। तो सानो जिन्हां नो आख्या उठ के मेरी याद करो, असा सारी जिंदगी रात सो के गुजार दीतियां। मेरी बिल्लत दे नौजवानों जदों अल्लाह ने फरमाना सारी रात ना जागया कर, हुण ए सी रब दा महबूब ना प्यार। हुण महबूब ने आसमान वल वेख्या ते अर्ज कीती वला या उदहू हिफ्ज़ुहुमा। अर्ज कीती ऐ जमीन ते आसमान दी हिफाजत करन वालिया, जे जमीन ते आसमान दी हिफाजत कर दे तू नहीं थकदा, तेरी इबादत कर दे मैं कदों थक चलिया वा। उस वेले कौन है दिवाली ने आसमान वल वेख्या ते एक अरीजा पेश कीता, पढ़ा कुरान जाखो सुभान अल्लाह। कोई नहीं बोले तुसी सुभान अल्लाह? हाथ चुक के बोलो, मैनू पता लगे मैं अपनी जूदी जागदी कौम च बैठा। या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले रमदान शरीफ च अपनी अम्मी ते अबू नाल उमरा करके आवे। या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सौवें ख्वाब च कमली वाला ही आ जावे। तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले जागदे महफले च कमली वाले दा दीदार नसीब फरमा दे। औलाद वाली ने अर्ज की थी इन सलाती व नुसुकी व महिया व महाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। अर्ज की थी अल्लाह मेरी नमाज भी तेरे वास्ते, मेरी कुर्बानी भी तेरे वास्ते, मेरा आना भी तेरे वास्ते, मेरा जाना भी तेरे वास्ते। अल्लाह ने रिजा फरमाया व सलाम अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअथ हय्या। अल्लाह ने फरमाया मादा देने वालिया ते तेरा आना भी मेरे वास्ते, तेरा जाना भी मेरे वास्ते, फिर तेरे आन ते भी सलाम है, तेरे जान ते भी सलाम। सारे बोलो भाई सारे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सलाम होवे तेरे आमद दे दिन ते तेरे जावन दे दिन उते।
सुन्नी मामा दे पुत्रो जे रब महबूब नु भेज के सलाम आके ते आ जिना गुनाहगारां दी बख्शिश ली माही आया उन्हां नु मिला ते सलाम नहीं करना चाहिए। लोग कहंदे ने कुरान च मिलाद किथे वे, मिलाद किथे वे, सारा कुरान है ही मुहम्मद दा मिलाद है। अलिफ लाम मीम दी अलिफ दी चोटी तो लेके बन्नास दी सीन दे घेरे तक ए सारा कुरान मिलाद है। मियां मुहम्मद बख्श फरमांदे ने ज़ेरां ज़बरां शद्दां मद्दां शान तेरी विच आईयां। तुसी बोले नहीं सुभान अल्लाह, ओ शेर है जिदे बारे मुहम्मद अली ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह ने आख्या सी, मेरा सारा नातिया दीवान एक पासे ते मियां मुहम्मद दा बख्शदा कल्ला शेर एक पासे। मियां साहब फरमांदे ने ज़ेरां ज़बरां शद्दां मद्दां शान तेरी विच आईयां, आमा लोकां खबर न काई खासा रमज़ान पाईयां। ते मेरा दिल कर देदा तर्जमा मैं हजरत पीरे बाहू कुल करवा के देवां। हौला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए, हाथ बिल्कुल नहीं चुकने मत कि तेरे को शहीद ना हो जाए। ये वीडियो बनाने वाले कैमरे गिन लो किन्ने ने माशाल्लाह। ये मैं जे घर नहीं पहुंचता तो मेरी तकरीर यूट्यूब पे अपलोड कर भी देते हैं सोशल मीडिया से। सुबह मैं जब उठ के कदे वेखा तो मैं वेखना जी रात मैं जे तकरीर करके घर नहीं पहुंचे आता तो माशाल्लाह लखां की तादाद चल गई आती है। तो ये तो यूरोप वाले वेख लेना तो उन्होंने कहना साढ़े को नहीं सुबह तो अपने लौरिए थोड़े को बोलते ही नहीं। हाथ चौके बोलो, हाथ चौके मैं पता लगे झूठे जागते नबी पाक दे नौकरा। आरफा दे सुल्तान ने फरमाया बे बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा उची बोलो सुभान अल्लाह। ये जरा मैं सारा पढ़िया ना ये तर्जमा सान करके अर्द करा सारे समझ आए पीरे बाहू ने की फरमाया। आ महफले च जरा सब तो आखिर ते आवे उन बैठन की जगह कितने मिलती है, आखिर ते ना भाई जरा आखिर ते आवे उन जगह भी आखिर ते मिलती है। ते मिलाद ना मनाइए, आए असी सारी उम्र तू आखिर बेच आते जन्नत चसा सारे तू पहले जाना है। पीरे बाहू फरमाद ने मैं कुर्बान तिना थी बाहू जिन्ना मिलिया नबी सुहारा हूँ। सुहारा मतलब सोना, फरमाद ने सुहारा हूँ। फरमाद ने मैं कुर्बान तिना थी बाहू जिन्ना मिलिया नबी सुहारा हूँ। असि क्यों ना मिलाद मनाइए, क्यों ना मिलाद मनाइए। रब्बे काबा की कसम उठा के कहना आ जड़िया इनिया गुनाहों के बावजूद तेरी मेरी शक्ल नहीं ना पई बदलती, एक करम ही मुस्तफा दा सी, क्यों ना मिलाद मनाइए। असी क्यों ना उस नबी का मिलाद मनाइए। आओ मेरी मिलत के नौजवान मैं तो अज उस दिन वाल लैके जाना है। मैं गल इतों शुरू करनी जोड़ा मैंने इंतजामिया अज हुक्म दिता फरमाया कि तुम अज सानू ना मिलाद शरीफ वाले दिन तो गल शुरू करनी है। तो मैं उतों शुरू कर लगा अल्लाह फरमाता बस सलाम अले ही यौम बोलेदा तेरी विलादत दे दिन ते सलाम होवे। मैं उस दिन तो शुरू कर लगा जिस दिन ते रब भी सलाम करदा है, रब भी सलाम करे। 12 रबी अव्वल की रात सोमवार का दिहाड़ा ठीक है अज साहब इतों शुरू करिए ना। सोमवार का दिहाड़ा नबी पाक की अम्मी जान फरमा दिया उस रात में घर च कली सी दीवारे काबा शकिश्ता हो गई। नबी पाक दे दादा जान अपने सारे पुत्रां नू नाल लैके ना ते दीवारे काबा बना रहे उस रात। इहदा ए मतलब ना समझियो कि औरत नू घर च कला छोड़ गए, नहीं नहीं घर
ਕਿਹੜਾ ਕਾਬੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਹੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਹਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਭਰ ਡਿੱਠਾ ਸਾਂ ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਤੱਕ ਲਈਆਂ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਆਪ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਤ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵਣ ਨੂੰ ਲੁਕਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੁਹੱਦਿਸ ਇਬਨ ਜੋਦੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲ ਮੌਲਿਦ ਉਲ ਉਰੂਸ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਸਫੂਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪੈ ਦਰ ਪੈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹਾਰਿਸ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਊਂਟਣੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਪੀ ਲਵਾਂ ਭੈ ਦਰ ਪੈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਗਰ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਉੱਠਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਜਾਗ ਪਏ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਲੀਮਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਘੁੰਟ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਲੀਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜੇ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਮੱਕੇ ਆ ਜਾ ਮੱਕੇ ਇੱਕ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸੂਲ ਆ ਗਿਆ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਹਾਰਿਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਬ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਕੀਨਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ 9 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਲੀਏ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੰਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ 9 ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਗਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਊਂਟਨੀ ਇਹ 5 ਰੂਹ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅੰਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਚੁੱਕੀ ਊਂਟਨੀ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਆਖਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਕੇ 'ਚੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਚੱਲੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੁਹੱਦਿਸ ਇਬਨ ਜੋਦੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਾਈਆਂ ਆ ਕੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਸਿਹਣੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਅੰਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਬੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਅੰਧੇਰਾ ਬੰਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੀ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅੰਮਾ ਰੋ ਕੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਂਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਰੋ ਪਈ ਕਾਬੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਵਾਲਿਆ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਾਲੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੈਦ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਵੀ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਮੇਰੀ ਓਟਣੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਓਟਣੀ ਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਜੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਾਬੇ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਬੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰੋਣਾ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਰੋ ਕੇ ਜੋਲੀ ਫੈਲਾ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਾਬੇ ਵਾਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਰੇ ਮਦਕ ਤਰਈ ਪਾ ਦੇ ਕਾਬੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰੋਣਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਮਦਕ ਤਰਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ
असा तेरे जोगी दो जहां दी रहमत रखी आई। मैनू नहीं सी पता मेरी दुआ एडी जल्दी कबूल हो जानी है। अज मंजूर साहब अज अलीमा बाबा नदर जी इंज करके अलीमा अज ना काबे का पर्दा फड़ के फिर हो पिछू ना हरम के दरवाजे चू आवाज आई कोई दाई है। अजी रात वे खिलाफे मामूल कोई दाई लैन आया अमालीमा ए इंज करके मुड़ के वेखा तो काबे के दरवाजे च बड़ा सोहना जहा बाबा खड़ा। अम्मा दौड़ के गई गरीब नहीं सी ना तो जाके कह लगी जी मैं दाई हाँ जी। तो बाबा जी फरमान लगे तेरा नाम की है? आखे जी मेरा नाम हलीमा। तो बाबा जी फरमान लगे कितों आई है? तो हलीमा कह लगी ओ बनू साध कबीला जी, ओ मैं बनू साध कबीले बचू आई हाँ तो मेरा नाम हलीमा साधिया है। बाबा जी मुस्कुरा के फरमाते ने हलीमा हिलमी चू निकलिया है, साधिया साध चू निकलिया। तो गलां तो दोवें ठीक ने। बाबा जी मुस्कुरा पे, बाबा जी मुस्कुरा पे। अमालीमा फरमान लगी अबे बाबा तेरे मथे दा मेरा आप वेखा कोई राता जागन वाला लगना है, तेरा लिबास वेखा मथे दा चौधरी लगना है। बे बाबा तेरे मथे दा नूर वेखा काबे दा मतवली लगना है। बे बाबा मेरा नाम पुछ के हसया क्यों है? बाबा कह लगा बीबी मैं काबे दा मतवली आऊं, मैं कुरैश दा सरदारा, मैं हसया नहीं तेरे मुकदरा ते ना उदे पिया करना। अज तीन रात गुजरिया मैं काबे दा तवा पिया करदा सौ, मैनू काबे ते आवाज आई अब्दुल मुतलिब अपना पोतरा किसे नू ना देवी, पीछे कमाड़ी दी हलीमा आउंदी ओदे गोदू च मेरा यार रख देवी, ओदी खुली कच्चिया ईमान बड़ा पक्का। ईमान पकाई अमालीमा दी ते चीख निकल गई, रो के काबे बल बैठ के हाथ जोड़ के कहती माफ करियो मैनू भुलेखा लग गया है, अब तुसा मैनू ही माड़ा बनाया, मेरे मुकद्दर नहीं माड़े बनाए। मैं जे मके आई नहीं तो मेरे नां दियां धुम्मां पै भी गईयां। अम्मा हलीमा हजूर दे दादा जी नूं कहंदी चलिए, हजूर दे दादा जी अगे अगे ते अम्मा हलीमा फरमादी मैं मक्के दी गली च पिछे पिछे ते राह विच मैं जांदी विचार पी करदी जावां, दलीलां करदी जावां, सोचां सोचदी जावां। काबे दे चौधरी ने, मतवली ने, अरब दे सरदार ने, इन्हां दा पोतरा मैं लै चली हां ते जाके आखांगी पोतरा ते पाल देवांगी, पर मैं इन्नियां बकरियां लैणियां है, मैं इन्ने जोड़े लैने ने, मैं इन्ने सूट लैने ने, मैं इन्ने पैसे लैने ने, इतने तहाइफ लवानगी। आ सोचती सोचती अम्मा हलीमा कहती हजूर दा घर आ गया। हजूर दे दादा जी अंदर ते मैं गली च खड़ी, थोड़ी देर बाद सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा दी आवाज़ आई हलीमा अंदर आ जा। अम्मा हलीमा फरमा दी मैं अंदर गई ते वेख्या वेड़ा नूर नाला नूर, वेड़ा नूर नाला नूर। अमालीमा फरमादिया मैनू ख्याल आया किथे वे जी दिली मैं आई आऊं, फरमादिया मैं निगाह दौड़ा के वेख्या वेख्या झूला पिया आप ही झूलदा है ते ए सारा नूर पंगूड़े चुपया निकलदा है। अमालीमा टुरी टुरी पंगूड़े वल जा रही ते नाले अपने आप नू कहंदिया नी हलीमा नी जी दे वेड़े दा आ हाल है ओदे चेहरे दा की हाल है, मेरे बयात च पढ़िया उस वेले नबी पाक नींद फरमा रहे सन। तीन तरह की रवायत मैं पढ़ी कि सफेद सब्ज या काले रंग का कपड़ा से उस वेले हजूर के रुखे अनवर से कपड़े चो नूर दिया लाटा निकल रही। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमा दे जबरील उस वेले झूला पे जो लाते सन ते अम्मा हलीमा फरमा दी मैं टुरी टुरी ना सीधी पंगूड़े वाली टुर पई ते आप फरमा दी वेख्या तो झूले चो नूर दिया लाटा निकल रही। इस तरह करके ना अपना घुटना अपना गोडा लगा के पंगूड़ा रोकया तो इस तरह करके हजूर नू गोदी चो चुकया ना ते अम्मा हलीमा फरमा दिया हुण मेरा दिल डोले हाथ कंब दे होरे किन्ना कु सोहना होवे। इस तरह करके अम्मा हलीमा कहंदी जो मैं हजूर दे रुखे अनवर तू कपड़ा चाहिया ना ते मैं ते दिल फड़ के ही बह गई। अमालीमा परमा दिए फिर मैं वेख्या एक माह मदन गोरा सबदन नीची नजरें कुल की खबरें
एक माह मदन गोरा सब दन नीची नजरें कुल की खबरें एक माह मदन गोरा सब दन नीची नजरें कुल की खबरें वो दिखा के फबल वो सुनाओ के सुखन मोरा फूंक दिया सब तन मन तन मैं हिंदी का शेर पढ़िया आखो तो यह तर्जमा पंजाबी हजरत मियां मुहम्मद बख्श को करवा के देव नहीं बोले नहीं तो करवा मैं देना अजय मैं हरबंसपुर जाके तकरीर करनी है इन्नी सुबहान अल्लाह दे मेरा उत्थे तक गुजारा हो जाए होर उचा बोलो सुबहान अल्लाह आरफे कड़ी रहमत फरमा देना काले कुंडल जुल्फ महीदे जाल छले हुन केड़ा लुट खड़े आ दिल में बाबा नजर जी जरा तवज्जो करे आ जाए जदों अमालीमा ने अमा सीने ला के नबी पाक ना प्यार भी कर दी ते सैयदा आमीना बोलियों ते फरमा दिया नहीं ने अलीमा मेरा यतीम पालन दा की लेना ही बकरियां भी लवांगी ऊंट भी लवांगी कपड़े भी लवांगी जोड़े भी लवांगी तहाइफ भी लवांगी जदू सैयद आमिना ने फरमानी अलीमा पुत्र पालन दा की लेना ही अम्मा लीमा मत्था चमके कहंदी है हुण मैं की लेना भाई जिन्नू रब ए दे दे उन्हें रब तू होर की लेना जिन्नू रब दे कमली वाला दे उन्हें रब तो फिर होर की लेना है सारी कायनात हलीमा दी गोदी विच आ गई तवज्जो है अजे मैं शुरू होया ते तुसी सुभान अल्लाह कर जाके बोलो पिछले साल ते लंगर है सी कैद की भी है फिर भी नहीं बोलते थोड़ा घरों भी लंगर खा के आया करो है बंदा सुभान अल्लाह कह जोगा हो जाता ते जिदी अम्मी ने दस के भेजा तो पलिया ही कमली वाले ते लंगर ते सुन नहीं मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह ओके जेदा खाइए ओदा गाइए जेड़ा हजूर दे लंगर ते पलदा उच्चा बोले सुभान अल्लाह अम्मा हलीमा ने हजूर ने चुके ना ते सैयदा आमिना कोल बैठ गई हुण सैयद आमिना फरमा दिया मैं सारियां गल्लां सुनाइयां जिहड़ियां कमली वाले दे आउण तो पहले मैं वेखियां किवें किवें नबी मैनूं सलाम करन आउंदे रहे ओ पत्थरां दा पिघल पिघल जाणा हैं ओ दरख्तां दा ते पत्थरां दा कहना अस्सलामु अलैकी या उम्मा रसूलिल्लाह ओ सारियां गल्लां जदों सैयद आमिना सुनाइयां ना ते अम्मा हलीमा फरमा दिया मेरा दिल करे किहड़ा वेला होवे ते सुनण नूं घर ही लै जावां किहड़ा वेला होवे अच्छा जी अम्मा हलीमा जदों टुरियां ना इतने मेरे उस्ताद गिरामी सुल्तानी साहब की बुला के बड़ा जुमला फरमाते सन बाबा जी मैं सुना लगा ताकि थोड़ा वो जरा इश्क पुराना है ना वो ताज़ा हो जाए गर्मियां दी छुट्टियां होंदियां ना स्कूल तुहानू पता है पुराने जमाने विच हुण ते जमाने दौर बदल के ना तो बजुर्गों के साडे बचपन च असां वेख्या कि नानियां दूथरियां नूं फिर लैन आउंदियां सन है ना तीन तीन महीने गर्मियां दी छुट्टियां बच्चे नानके गुजार के आउंदे सन हुण तो सुबह मेहमान आ जाए ना तो घर वाले तंग पै जांदे ने खेड़ा वेला होवे ते नानियां दोतरियां नूं लैन आउंदियां सन तीन तीन महीने बच्चे नानके गुजार हुंदे सन पर नानी जदों दोतरियां नूं लै के टुरदी सी ना ते बच्चे दी मां नूं पता हुंदा सी ये मेरी भी मां है
पर फिर भी नानी जो टुरना तो मां ने रो के पत्ते बुच्चे का मच्छा चुम के ना कहना अम्मा मेरे पुत्र का ख्याल रखे है ना। यकीनन जब हलीमा लैके टुरी होगी सोने सैयदा अमीना भी तो आखे ही होगा ना हलीमा मेरे मुहम्मद का ख्याल रखे। उतो फरिश्तें झुक के आख्या होगा आमिना फिक्र ना कर हलीमा मुहम्मद का की ख्याल रखना है। यह साडा माह ही लै चली हूँ असा ही हलीमा का ख्याल रखना। अम्मा हलीमा गोदी च उठा के ना हजूर ने जो गली च निकली ना मक्के दी थी ऊंटनी जिन्हों बंद के आई सन ना गली बेच वो जिदी लत टुटी अम्मा हलीमा फरमा दी रिवायात मैं पढ़िया कि उस डाची ने सांस ते सांस च हवा ते हवा च नबूवत की खुशबू गई ना ते डाची सिर चुके कहती रही किधरे वो इत नहीं आ गए जिन्हों की 1,24,000 नबी उड़ीकें कर दे गए। अम्मा हलीमा की गोद डाची ने हजूर ने वेख्या ना उन्हें काबे वल मूँह करके 3 बारी सजदा किया सजदा करके ते बड़ी फसी जुबान च वो डाची तो ऊंटनी बोल के कह लगी कि मूँह नाल तेरा शुक्र अदा करा मैनू की पता सी मैं खोजी की सवारी ली नबिया का दूल्हा पिया आ नबिया का दूल्हा उन्हें 3 बारी काबे वल मूँह करके सजदा किया। मेरी मिल्लत दे नौजवानों अज कई बदबख्त अपनी किताबा च लिखे ते तकरीर च कहंदे ने नबी दे मापे माज़ल्ला 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 अलियाज़ु बिल्ला कहंदे ने नबी दे मापे मुसलमान नहीं उन्हां केड़ा नबी दा कलमा पढ़िया वो कहंदे नबी दे मापे पुत्तां नूं सजदे करदे सन। मैनूं सच्ची दस्सिओ पढ़े लिखे बैठे हो वह जिहड़ी ऊंटनी ते 2 घड़ियां मेरा नबी बह जाए वह ऊंटनी नूं पता लग जांदा काबे वल मूँह करके सजदा करना है ते जिहड़ी माँ दे शिकम च 9 महीने वसिया उहनूं नहीं सी पता किधर मूँह करके सजदा करना है। मेरा नबी ते जानवरां नूं शऊर ईमान दे देंदा। अम्मा हलीमा फरमा दी मैं हजूर नूं लैके जो ऊंटनी के करीब आई ना अगली गल सुन इत्थे मेरा दिल करदा मैं तुहानूं होर एक मिठी जी गल सुना देंगा। हज़रत अलामा काजी सनाउल्ला पानीपति मुजद्दी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर मज़हरी च एक बड़ी मिठी गल लिखी कि अम्मा हलीमा फरमा दी मैं बाहर निकली तो मैंने ख्याल आया इन्नी दूर दूर तो लोग लखा रुपये लगा के काबा वेखन आते हैं तो हलीमा सबाबना मके आई है तो काबा ही वेख जा काबे का तवाफ ही कर जा। आ फरमा दी मैं काबे चाई नबी पाक नूं गोच लैके तो फरमा दी मैं तवाफ काबा किया तवाफ करके दिल करे हजरे अस्वद दा बोसा ही लै लवा हजरे अस्वद चुमन गई तो रश बड़ा बड़ा रश। आ फरमा दी ख्याल आया बच्चा गोदे च धक्का लगेगा उत्थे बैठ जानी है जदों रश थोड़ा होगा चुम लवा हजरे अस्वद अपनी जगह तो उखड़िया पत्थर ने दौड़ लगा दी थी दुनिया पीछे पीछे पत्थर अगे अगे पत्थर दौड़ के हजरे अस्वद आके नबी पाक की गोद विच आके ना इंज करके जूर दे होंठ दा बोसा लिया ते वापस दौड़ के जाके काबे दी दीवार च नसब हो गया ते हजरे असद च आवाज आई दुनिया वालियो तुहाडा हज मैनू चुम के होंदा मेरा हज मुहम्मद चुम के होंदा जे हाय 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 मेरा दिल करदा इहदा तर्जमा मैं बाबा बुल्ले शाह कोल करवा के देवां तुसीं होर हौला बोलो तुहानूं किधरे नजर ही ना लग जाए। आखरी बंदे तक सारे बोलो सुभान अल्लाह। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने पहली पौड़ी पहली पौड़ी इश्क तेरे दी पुल सिराते तेरा कर मुर्शिद दा बैखाना कावा हज जरूरी करिए तकवा रख महबूबा वाला तो चल दबारा मली ह
हजरे अस्वद ने भी आखे आवेगा लोकी हज मके नु जांदे मैं मुख वेखा तेरा अमालीमा फरमा दिया मैं दौड़ के नबी पाक नु चुकिया ते ऊंटनी ते आके बैठ गई ते मेरा खामद अगे ते मैं पीछे बैठ गई थके ते नहीं पक्की बात है हाथ करे करो सारे जड़े जड़े थक गए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चलो हुन हाथ चुके बोलो मैं कुछ नहीं कहता होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਖਤਸਾਰ ਨਾਲ ਆਖਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਬੇਟੇ ਅਮਾ ਹਲੀਮਾ ਆ ਫਰਮਾਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਗੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਊਟਨੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ अम्मा हलीमा दे शोहर हजरत हारिस उतर के ना ते ऊंटनी नु मारन लगे नबी पाक दे दादा जी दूर पे वेखदे सन आवाज दे के फरमांदे ने हारिस ना मारी कह लगे हजूर ऊंटनी उठदी नहीं नबी पाक दे दादा जी नाले टुरे आवा ते नाले फरमांदे तैनूं मैं कुलिया दसना उठ जावेगी ते हारिस कहन लगे ऊंटनी मेरी है कि तुहाडी है ते हजूर दे दादा जी टुरे आते ते फरमांदे ने पोतरा मेरा है कि तेरा है आके करीब आके फरमा लगे हलीमा किन्नू लैके पिछे पी बैठनी है ये आ जाए ते किसे नबी नु अगे होण दी जरूरत नहीं होंदी इनू लै के अगे बैठ जा ऊंटनी आप ही मुहम्मद दे अदब च उठ के खड़ी हो जाएगी अम्मा हलीमा फरमा दिया वाकई मैं देखा मैं लैके हजूर नू अगे बैठी मेरा शोहर पिछे बैठा ऊंटनी वाकई उठ के खड़ी हो गई अम्मा हलीमा फरमा दिया हुण मेरे दिल च ख्याल पे आवे तीन दिन गुजरे मेरिया सहेलियां चलिया गई तो सफर बड़ा दुराडा है तो हलीमा कल जाना पैना है अम्मा फरमा दिया ये ख्याल अजे मेरे जहन च ते मैं अचानक वेख्या नबी पाक ने मेरी गोह चो अपने जो दुल्ला दे गोरे गोरे हाथ निकाल के ना ए इस तरह करके डाची दी मुहार पकड़ ली अम्मा कहंदी मैनूं ख्याल आवे सोने मैं ते वट वट रस्सियां दीआं वागां बनाईआं तेरे नबूवत दे नाजुक जे हथ किधरे तकलीफ ही ना होवे अम्मा कहंदी ए इस तरह करके मैं हाथ छुड़ा के गोदी च कीता नबी पाक मेरे वल वेख्या आ फरमांदीआं मैथों नबूवत दा जलाल बर्दाश्त ना होया मैं हाथ छोड़े सोने फिर मुहारां पकड़ लईआं मैं फिर छुड़ाया सोने फिर वेख्या मैं फिर छोड़े फिर पकड़े फरमांदीआं तीसरी वारी छुड़ाण लगी ना अमाली मैं फरमांदीआं कमली वाले मेरे वल वेख्या मैं समझ गई कमली वाला प्या आखदा अम्मा जे वागा तू फड़िया पिछे रह जाएगी वागा मुहम्मद नो फड़ा दे जे सारिया तू पहले ना पुचावा मुहम्मद कौन आखे हाय 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 फिर वागा फड़िया सोने उंज मेरी मिलत दे नौजवानों कमली वाले दसिया ओ मेरे गुलामो मैं टुटी लत वाली डाची दियां वागा फड़ लवा ते पिछे नहीं रहन देंदा तू अपने टुटे फुटे अमल लैके आ जा बस अपनी हयाती दी वाग मुहम्मद नू फड़ा दे जे सारियों तो पहले जन्नत ना लैके जावां ते मुहम्मद दी गुलामी दा की फायदा बस अपनी हयाती दी मुहार मुस्तफा नू फड़ा दे अपनी अपनी हयाती दी मुहार मुस्तफा करीम दे हत्थां च पकड़ा दे बस फिर डाची दियां वागां फड़ियां सोने ते डाची दौड़ी इंज दौड़ी इंज दौड़ी मैं किताबां च पढ़िया अगे नूं खान नूं नहीं सी मिलदा हुण कदम रख के चुक दिए ते नीचे तो सब जागो पैंदा यानी हुण उहदे कदमां दे नीचे पिया रुलदा आप फरमा दिया डाची दौड़ी ओ ओ ओ दाइयां जिहड़ियां तीन दिन पहले मक्के चो टुरियां ना अम्मा हलीमा दी डाची जदों छां करके कोलू गुजर गई एक दाई दूसरी नूं कहण लगी नहीं ऐ हलीमा गई है वो कहन लगी हलीमा किथे ओ तां किधरे मक्के फिरदी होवेगी दी डाची दी लत टुटी ते एक कहन लगी नहीं पिछू ते हलीमा ही लगदी सुभान अल्लाह एक आवाज दे के कहन लगी नहीं हलीमा गल सुनी जाओ अज हलीमा की दिया सुन दी हलीमा दे नां दी वखरे ने एक आवाज दे के कहन लगी हलीमा अगे तू बुलांदी सैं असी नहीं सा बोलदियां अज असी बुलानियां तू नहीं बोलदी नहीं लगदा मक्के च सवारी बदले आई है अम्मा मुड़ के कहन लगी सेलियो सवारी ते ओही पुरानी है मैं मक्के च सवार बदल के ले आई शाम ना पई ते हलीमा घर पहुंच गई हुण कखां दी कुल्ली नजर आए ना ते हलीमा कुल्ली नूं वेखे कदे सरकार नूं वेखे ते आखे केड़ी सेज तेरे लई सजावां या रसूल अल्लाह
महली मडाची ढोक ले ते कदे कुली वल वेखे ते कदे सोने वल वेखे कदे कुली वल वेखे कदे सोने वल वेखे अथरू हजूर दे चेहरे ते डिगदे ने ते मथा चुम के कहंदी वे अरशां दे परौणे आवे मैं तेनू किथे लैके जावां मेरी कखां दी कुली तू अरशां दा परौणा महली मदे अथरू जद हजूर दे चेहरे इनवर ते डिगे ते मेरे नबी ने अख खोल के मां वल वेख्या पैगाम दिया है कभी पैगाम लिया है उल्फत में निगाहों से बड़ा काम लिया है अखा अखा च मेरे आका ने पूछा मर रोई क्यों कहंदी माड़ी जो होई आख्या फिर रो ना मैं आया ही माड़िया आख्या वे सोनिया तेनू किथे बिठावा मेरी कखा दी कुली ते माड़ी जी आख्या अम्मा तू रो ना मैं कोई दुनिया दा सोना दुनिया दा सोना सोहनी जगह ते बह के सोना लगता है मैं रब दा सोना वाही हाँ जिथे बह जावा जगह सोहनी बना देना हाँ एक बारी कुली च लै जा फिर वेखी अरशा दे फरिश्ते तेरी कुली दा तवाफ करन आवन गए बस फिर अम्मा हलीमा लै गई कुली बेच ते सारी रात लोरियां दित्तियां इत्थे आला हजरत दे वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहल सुन्नत दे वालिद गिरामी एक बड़ी मोहब्बत की बात सरूर उल कुलूब जिक्र अल महबूब च लिखी आप फरमाते ने कि अम्मा हलीमा की जी गवांढन सी ना वो अम्मा हलीमा की सक्की भैन सी उन्हों का नाम से हजरत खौला सादिया ए हलीमा सादिया और खौला सादिया सुबह सुबह खौला अम्मा हलीमा को ला के कह लगी हलीमा तू बड़ी अमीर नहीं हो गई फरमा दी क्यों कह लगी तेरे को ते पैसे नहीं सन आते कि दीवे च तेल पा के बाल लवें तो सारी रात ही दीवा बाली रखनी है अम्मा हजूर दे चेहरे तू कपड़ा चुक के फरमा दी जो दूध आ सोना आया मैं दीवा ही बालना छड़ देता है इसे राज मुनीरा दे चेहरे दा नूर है सत बकरियां सन अम्मा किनिया सारे बोलो किनिया एक भी दुध नहीं सी देंदी हजूर आए तो 700 बकरियां हो गई पहले एक दुध नहीं देंदी हुन एक ही इना दे देंदी है कि अम्मा हलीमा फरमा दियां बर्तन मुक जांदे बकरी चो दुध नहीं मुकदा इमाम इब्ने हिशाम ने लिखिया आंढ गवांढ दियां औरतां अपने बच्चन नूं मार मार के कहंदियां वे तुसीं भी बकरियां उत्थे चारिया करो जिथे हलीमा दियां चरदियां ने ते बच्चे रो रो मामा नूं कहंदे ने अम्मा उत्थे ही चारने आ फर्क इना तेरियां बकरियां मैं चारना हलीमा दियां बकरियां मुहम्मद चारदा है अम्मा हलीमा फरमा दी फिर मैं अजीब नज़ारे वेखन लग पई एक दिन पंगूड़ा फरमा दिया मैं दीवार दे नाल लगा के मैं कोई कम पी करा ते अचानक मैं वेख्या कि दीवार ए इस तरह करके पंगूड़े दे उपर उलट गई अम्मा हलीमा फरमा दी मैं डर गई किधरे दीवार डिग ना जावे दौड़ के पंगूड़ा फड़ के इधर किया दीवार सीधी हो गई तो दीवार चो आवाज आई मैं कोई डिगन लगी सा मैं ते साया करन लगी सा अम्मा फिर अजीब मैं वेख्या अम्मा हलीमा दे घर के करीब ना एक कुआं है वह हूँ तो इन्होंने खत्म कर दिता दो तीन साल पहले मौजूद सी मैं ज़ियारत की वह कुआं सी जिथे नबी पाक बकरियों ने पानी पिलाते सन अम्मा हलीमा के नालों जी नौ औरतं मक्के तो बच्चे लैके गई कट्ठिया होकर एक दिन अम्मा हलीमा को लाइया कह लगी हलीमा आज जे बच्चे असं मक्के तो लैके आई हैं पेशाब कर देते हैं कपड़े पोतड़े बिस्तर खराब होते हैं तो असं कट्ठिया होकर ना एक ही कुएं ला के तो उत्थे बह के नाले कपड़े धो लेनी तो नाले दुखा सुखा दियाँ कर लेनी पर तू कद नहीं आई अम्मा हलीमा फरमा दी मैनू कदे लोड़ ही नहीं पई मैनू कदे एक कह लगी नी हलीमा तेरा भी मकी साडे भी मकीन नी तेरा भी अरबी साडे भी अरबीन अम्मा हलीमा फरमा दिया नी तुआडे भी मकी मेरा भी मकी तुआडे भी अरबी मेरा भी अरबी पर तुआडे मेरे वर्गे नहीं मेरा तुआडे वर्गा नहीं कह लगी हलीमा फर्क की है फरमा दिया ने नी तुआडे पाक कपड़े पलीद कर देंदे ने मेरा मुहम्मद पलीदा नूं पाक कर देंदा